सिटी का कहना है कि अभी तो मतलब बातचीत हो रही है, अभी फंड ट्रांसफर या उसको क्या, अभी फंड ट्रांसफर नहीं हुआ या ऐसा माफ नहीं किया गया अभी तक, अभी ये चर्चा मोड में है। उन्होंने देखिएगा, मुझे अखबारों से कल पता लगा था, काफी मीडिया रिपोर्ट्स थी जिसमें बताया गया था कि 2400 करोड़ से भी ज़्यादा नॉर्थ एमसीडी ने मिस अप्रोप्रिएट किया है साउथ एमसीडी से जो लेना था, तो उसी के लिए मैंने पता करने के लिए, फैक्ट्स पता करने के लिए और जांच करने के लिए आदेश दिए हैं, जिसकी जांच करके बताया जाएगा। एक तरफ तो वो कहते हैं हमारे पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, दूसरी तरफ से अगर 2400 करोड़, मतलब 1-2 करोड़ भी नहीं है, 1-2 लाख भी नहीं है, 2400 करोड़ कितना बड़ा रकम होती है जिसको वो कह सकते हैं छोड़ सकते हैं या दे सकते हैं या मिस अप्रोप्रिएट कर सकते हैं, दिस इज अनबिलीवेबल। सर वो ये कह रहे हैं कि 13,500 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने देने हैं, 2-3 महीने पहले भी कह रहे थे, अभी की स्थिति क्या है सरकार ने? देखिए, दिल्ली सरकार ने एमसीडी को टाइमली जो भी हमारे को अपना पैसा देना होता है बिल्कुल समय से पहले ही उनको हम दे देते हैं। दिल्ली सरकार को एक भी पैसा देना नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार ने ही उनसे हजारों करोड़ रुपया लेना है, जो कि अब अभी हम ले नहीं रहे हैं, बाद में ले लेंगे। 13,000 करोड़ की जो मांग है वो क्या, किस चीज किस लिए मांग रहे हो? क्योंकि लगातार वो कह रहे हैं कि जो बर्डन एमसीडीज पे पड़ रहा है दिल्ली सरकार ने जो पेमेंट नहीं किया उसके कारण हो रहा है। उनको केंद्र सरकार से मांगना चाहिए, पिछली बार इलेक्शन जब लड़ा था तो वो कहते थे कि जी हम केंद्र सरकार से पैसा ले आएंगे, तो ले आना चाहिए वहां से। दिल्ली सरकार का जो भी फाइनेंस कमीशन के हिसाब से पैसा देना होता है वो समय से पूर्व दिया जा रहा है, बल्कि हमने लोन दे रखा उनको और लोन अभी रिकवर करना है, वो रिकवर नहीं किया है। कहने को तो मैं भी कह दूं कि दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए देना है, इनकम टैक्स के रूप में दिल्ली सरकार, दिल्ली की जनता 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा टैक्स देती है, बाकी सभी राज्यों को लगभग 42% पैसा वापस मिलता है। अब मैं कहूँगी इतने लाख 20 साल के इकट्ठे हो गए मुझे दे दो, वो तो बनता नहीं ना, जब तक कोई चीज बने नहीं ऐसे थोड़ा कि तुम हवा में कह दो कुछ भी कह दो। मुझे अभी जानकारी नहीं है, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि फार्मर प्रोटेस्ट के अंदर केंद्र सरकार को जल्दी से जल्दी सुलझाना चाहिए कि फार्मर्स की बात को मान लेना चाहिए। बिल्कुल, किसान देखो अन्नदाता है हमारे लिए, जो भी हम इतने बड़े हो गए अन्न खा खा के ही हुए हैं, तो उनकी बात को मान लेना चाहिए। कोई भी अपना घर छोड़ के 200, 400, 500, 1000 किलोमीटर दूर आके नहीं बैठता, अगर वो इतनी दूर आके बैठे हैं तो उनकी बात को मान लेना चाहिए। हेल्थ का भी बता दें? चलो बता देता हूँ, वैसे पूछते नहीं हम, पहले पूछा करते थे काफ़ी ज़्यादा। दिल्ली के अंदर कोरोना की जो थर्ड वेव, जिसका जो हम फॉर्मली कह सकते हैं कि 7 नवंबर वॉज द डे कि जिस दिन कोरोना की थर्ड वेव का पीक था, 15.26% उस दिन पॉजिटिविटी का रेट था, जो कि अब घटते हुए लगातार धीरे धीरे घट रही है, पिछले 10 दिन से 5% या उससे कम है लगातार। अब मैं कह सकता हूँ कि ये काफ़ी कमज़ोर पड़ गई है, वेव काफ़ी कम हो गई है, लगातार 10 दिन से 5% या उससे कम चल रहा है। टेस्ट अभी भी हम लोग हर रोज 70,000 या उससे ज़्यादा कर रहे हैं, तो टेस्टिंग पूरे देश के अंदर जो है, टेस्टिंग देश की एवरेज से 4 गुना टेस्ट हम डेली कर रहे हैं, और दिल्ली के अंदर अब स्थिति जो है काफ़ी कंट्रोल में लगती है। फिर भी मैं सभी लोगों को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अगर आप मास्क पहनेंगे तो इसको बिल्कुल ही ख़त्म करने में मदद मिलेगी, और पिछले कुछ दिनों से लोगों ने बहुत सहयोग किया है दिल्ली के लोगों ने, जिसकी वजह से ये कोरोना काफ़ी कंट्रोल में आया है। और मैं साथ ही साथ अपने हेल्थ केयर वर्कर्स का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने दिन और रात काम किया है। सर, आईएमए की तरफ से आज हड़ताल बुलाई गई है, आयुर्वेद के डॉक्टरों को सर्जरी को लेकर आप क्या कहेंगे? ये केंद्र सरकार के साथ है, अभी उनसे रिक ले लीजिए। सर जो लिया गया फैसला आयुर्वेद के डॉक्टरों को सर्जरी का, आप उसे कैसे? अभी मैंने स्टडी नहीं किया है, मुझे आज ही पता लगा है कि इस बारे में कुछ स्ट्राइक वगैरह कर रहे हैं या कुछ अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको स्टडी करने के बाद बता पाऊंगा। जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं इसमें कहीं सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई पड़ रही है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? वो तो चुनाव में भी नहीं पड़ रही थी, उसके बारे में तो कभी नहीं पूछा आपने। अभी मेरे घर पे प्रदर्शन करने आए थे कल, मनीष जी के घर में, उसके हमारे सोशल डिस्टेंसिंग थी क्या? उनके खिलाफ कर लो, 200 लोग थे, घुस गए, तब तो नहीं पूछा आपने कि वो सोशल डिस्टेंसिंग करके क्यों नहीं आए। आप सिर्फ उन किसानों के प्रति आपको लगता द्वेष है क्या? बार बार वही बीजेपी की रैली निकाली, उसमें मैंने देखा कि कोई तो वो पूछो ना मुझसे, कल मनीष जी के घर में घुसे थे, कितनी सोशल डिस्टेंसिंग थी उन्होंने की थी। सर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आरटीपीसीआर की रिपोर्ट्स बहुत लेट आ रही है, लोग बहुत परेशान हैं। देखिएगा, ये बात सहमत हूँ मैं आपकी बात से कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट जो 24 घंटे में आनी चाहिए, कुछ जगह पर कभी कभी लेट हो रही है और उसको दुरुस्त किया जा रहा है, कंपनीज को जो भी कंपनीज है उनको टाइट किया जा रहा है,
केंद्र सरकार से जब हमारी मीटिंग हुई थी उन्होंने कहा था कि जो आरटीपीसीआर की जो टेस्टिंग है उसको डबल कर दो। हमने टेस्टिंग डबल कर दी परंतु रिपोर्ट थोड़ा सा डिले हुआ पर अब ठीक हो रहा है। थैंक यू।